नमस्कार, एसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बाबा साहब के मिशन को बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं और अपने डांस से हजारों लाखों की तादाद के अंदर इनके लिए सैकड़ों तालियां बजती हैं। आज इनके जो कोरियोग्राफर हैं उनसे हम लोग बात करेंगे, वो है मनोज जी। मनोज जी आइए, आपका एसी न्यूज़ में स्वागत है। मनोज जी एक बात बताइए, ये बाबा साहब को जो आप मिशन को आगे लेके चलते हैं और जगह जगह जाके आप प्रोग्राम सिखाते हैं, उसका क्या है, मतलब आपके मन में कैसा है कि आपको ये करना चाहिए? सर ये एक बार हमने देखा कि यहाँ पर कार्यक्रम होता है जी, तो बाबा साहब के लिए हम भी अपने और से समर्पित थे, तो हमने देखा और बात की इन्होंने कि एक बार हम भी अपना कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो जब से हम इनके साथ जुड़ गए और तब से हम साथ में इनके काम कर रहे हैं और बाबा जी के लिए अपने सेवा बहुत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा डांस करते हैं। मैंने आपको सबों का डांस देखा और ढेर सारी आपको क्लैपिंग्स मिल रही थी, क्लैपिंग्स मेरे को भी नहीं मिली थी। कौन से गाने पे गए डांस करा था? अच्छा, कैसा लगता है आपको जब ये गाने पे परफॉर्म करते हैं? बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्राउड फील होता है। हाउ वाज द फील, कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप इसको? प्राउड फील होता है, बड़ा प्राउड फील होता है ना। और आपके लिए तालियां कैसी बजती हैं सर? अब इट डिपेंड्स ऑन हमारे की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उसके ऊपर तालियां डिपेंड करती है। जी आप लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, आप बाबा साहब का जब भी काम करेंगे आपको बहुत सारी तालियां मिलेंगी हमेशा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतना खूबसूरत काम करा था, संविधान रचा था और आप जैसे बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को बराबर की उसमें शक्ति दिया था, है ना? हाँ तो आप बताएं, क्या नाम बताया आपने? रोशनी। रोशनी, आपका नाम तो खुद रोशनी है, आप बाबा साहब के नाम को भी रोशन कर रही हैं। तो कैसा लगता है रोशनी जब आप बाबा साहब की जगह जगह जाके प्रोग्राम करते हैं? सर बहुत अच्छा लगता है कि जगह जगह जाकर परफॉर्म करना और खुशी होती है एक अंदर से जी। डांस करते हैं तो। आप क्या बोलेंगे बाबा साहब के कार्यक्रम के लिए? हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हम बाबा साहब के लिए काम करते हैं और बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे राइट्स क्या कौन कौन से छोटे राइट्स, एक आध राइट्स बताइए जो आपको पता है। जैसे इक्वालिटी का राइट, यस गुड, और सबसे बड़ा जो एजुकेशन का राइट है हमारे पास बाबा साहब के लिए, वो देकर गए हैं। और एकदम जोशीला फील होता है जब हम डांस करते हैं, तो पूरे जोश के साथ डांस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप क्या बताएंगे बाबा साहब के बारे में? बताओ बताओ, क्या नाम है आपका? अदिति। अदिति बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कैसा लगता है, क्या करते हैं बाबा साहब ने, ऐसा कौन सा काम किया जो आपको याद रहता है? अच्छा, हमें अच्छा लगता है डांस करने से। ओके, और आप क्या बोलेंगे बाबा साहब जी के लिए? थैंक यू, क्योंकि उन्होंने हमें इतना इंडिपेंडेंट फील करवाया। जी आप क्या बोलेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैली है और मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये आज जो हमने डांस करा है, ये डांस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में ही किया गया है, जिससे कि और बाबा साहब के सबसे बड़ी देन तो ये है कि उन्होंने हमारे हमें संविधान, हमारे लिए संविधान लिखा, जो कि पहले हमारे ये राइट्स नहीं थे, लेकिन अब है, एक्चुअल में है, एक्चुअल में हम जो डांस कर रहे हैं अब वो सिर्फ इन्हीं की वजह से ही कर रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ कि मतलब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम लोग मतलब इंडिपेंडेंट होके जी रहे हैं अच्छी तरह से, और डांस बहुत ही मतलब मुझे बहुत खुश है कि हम उनके लिए डांस। आप क्या बोलेंगे बेटा, अपना नाम बताइए, आगे बताइए। मेरा नाम योगेश है जी, और मुझे बहुत प्राउड फील होता था उनके बारे में, उनको दर्शाया था अपने डांस के द्वारा उनकी बातों को, और सबसे बड़ा तो उन्होंने वो करा कि ये बच्चे जहाँ भी जाते हैं बहुत सारी तालियों के अधिकार होता है इनके ऊपर, और ये बच्चों को आप अगर देखना चाहते हैं अपने मंच के ऊपर तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका नंबर है, अगर आप इन बच्चों को बुलाना चाहते हैं कि ये बच्चे आपके कार्यक्रम का हिस्सा बने और बाबा साहब की जो स्माइल देख रहे हैं आप बच्चों के चेहरों पर आ रही है, ये हमेशा स्माइल ऐसी ही रहनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम।